हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जिग्नेश बुकड़े। आज मैं वापस आ गया आपको साइंस पढ़ाने के लिए। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा एक मेन क्वेश्चन था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। हाउ डू वी नो अ केमिकल रिएक्शन अकर्स। ओके, उसके कितने पॉइंट थे? 6 पॉइंट थे। उन सभी के बारे में हमने डिटेल्स में बात की थी। कौन कौन से पॉइंट थे? फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन कलर। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड पॉइंट, चेंज इन स्टेट। देन फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। एंड लास्ट पॉइंट, चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स स्मेल। इन सभी के बारे में हमने डिटेल्स में बात की थी। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। ओके, ये तो हुई लास्ट लेक्चर की बात। पर आज हम क्या करेंगे? आज हम आपकी टेक्स्ट बुक की फर्स्ट एक्टिविटी 1.1 देखेंगे। उसके बाद एक्टिविटी देखी, उसके ऊपर से एक इक्वेशन लिखेंगे। रिएक्शन के बारे में आपको पता चला, उसके ऊपर से आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। इक्वेशन क्यों लिखते हैं वो भी देखेंगे। इक्वेशन भी लिख डाला। फिर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग क्यों करते हैं? अरे, रिएक्शन लिखी सर, इक्वेशन भी लिखा, अब बैलेंसिंग की क्या जरूरत? जरूरत है, खाना पका लिया, खा लिया, डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? बस वही, उसी तरह बैलेंसिंग भी जरूरी है। बैलेंसिंग क्यों करते हैं उसके बारे में देखेंगे। इन सभी टॉपिक के बारे में आप डिटेल्स में बात करेंगे आज। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.1 में क्या करना है हमें? मैग्नीशियम रिबन लेनी है, उसे सैंड पेपर से क्लीन करना है, रबिंग प्रोसेस करके। ओके, क्लीन क्यों करना है? एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास एक बुक है जिस बुक को आपने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, वो एक कोने में रखी हुई है, तो क्या होगा? उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम? डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करेंगे, उसके बाद बुक पढ़ने वाले है ना। क्लीन करने के बाद ही पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अगर हम ऐसे ही एयर में रख दे, खुला छोड़ दे, तो क्या होगा? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? मैग्नीशियम के पास जाएगा, मैग्नीशियम उसको कैच करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। अब मैग्नीशियम ऐसे थोड़ी बोलने वाला है कि तू मेरे पास मत आ, ऑक्सीजन तो जाने वाला है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में ही है। तो यहाँ पे क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ होता है? जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। बस इसी लेयर को हमें क्या करना है? क्लीन करना है और फिर उसको यूज़ करना है। अब रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो बहुत ही एक्टिव है। उसकी रिएक्टिविटी कैसी है? बहुत ही ज़्यादा है। चलो एग्जांपल देता हूँ कि 3 पर्सन हैं, उसमें से जो फर्स्ट पर्सन है बहुत ही कम बोलता है, सेकंड है थोड़ा ही बोलता है, मींस किसी किसी के साथ बातें करता है, और जो थर्ड है वो सबके साथ बातें करता है। तो क्या होगा? इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन किसकी ज़्यादा होगी? थर्ड वाले की। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ बातें करता है। वैसे ही जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्टिविटी कैसी है? बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स कोई भी उसके पास आता है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। इसलिए ऑक्सीजन उसके पास आता है तो वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं और फिर बाद में मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करते हैं। अब आगे क्या करना है? जो मैग्नीशियम रिबन है, क्लीन मैग्नीशियम रिबन, उसे बर्नर या तो फिर स्पिरिट लैम्प या तो फिर आप यहाँ पे कैंडल भी यूज़ कर सकते हो, उसके पास ले जाना है। तो क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम से जलने लगेगी। डेजलिंग वाइट फ्लेम, यहाँ पे डेजलिंग वाइट फ्लेम की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए आपको प्रोटेक्टिव ग्लास का यूज़ करना है आपके आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिबन है जलती है तो यहाँ पे क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें वॉच ग्लास में लेना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि सर, पहले भी मैग्नीशियम ऑक्साइड था, लास्ट में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो जो पहले था उसका ही यूज़ हमने क्यों नहीं किया? तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले था वो प्योर फॉर्म में नहीं है, लास्ट में जो बना वो प्योर फॉर्म में है। और यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या करना है?
कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, वो लास्ट में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड फॉर्म में, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट चेंज हुआ गैसियस टू सॉलिड स्टेट, ओके। और हमने दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, वाइट फ्लेम, डिजलिंग वाइट फ्लेम भी ऑब्जर्व की यहाँ पे। तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ओके। तो जो आपकी एक्टिविटी थी उसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, तो इस तरह, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एटमोस्फियर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर इतने बड़े सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल इक्वेशन का यूज करके। और एक क्वेश्चन हो गया, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले आपको सिंबल्स पता होने चाहिए एलिमेंट्स के सिंबल क्या होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। अब जब आयोनाइजेशन प्रोसेस होती है तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 प्लस है और ऑक्सीजन 2 माइनस है, और दोनों की वैलेंसी 2 और 2 है। तो डायरेक्ट रिएक्शन होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सर इतना तो पता चला, पर अब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है, और जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारी प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या है, अगर घर में मम्मी चाय बना रही है तो मम्मी क्या करेगी, मिल्क लेगी, वाटर लेगी, शुगर लेगी, टी ऑफ डस्ट लेगी, इन सब को मिक्स करेगी, गरम करेगी, तो क्या बन जाएगी हमारी चाय। तो जो मम्मी ने लिया है वो सब क्या था, रिएक्टेंट, के जिनके बीच में रिएक्शन होती है, और जो लास्ट में मिली है वो क्या है, हमारी प्रोडक्ट है, टी है। तो यहाँ पे रिएक्शन किन दोनों के बीच में हुई, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो वो हमारे क्या हुए, रिएक्टेंट। और जो लास्ट में क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो क्या है, हमारी प्रोडक्ट है। सर इतना तो पता चल गया, पर लिखते कैसे है। तो जो रिएक्टेंट है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो प्रोडक्ट है उसे राइट हैंड साइड लिखते हैं। सर क्या लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड, किसके लेफ्ट हैंड साइड, एक एरो है, एरो करते हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट लिखते हैं, ओके। तो हमारा केमिकल इक्वेशन कैसा होगा, कुछ इस तरह, Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और लास्ट में प्रोडक्ट क्या हुई, हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ओके, ब्रैकेट में आप पहले देखोगे S, फिर है G और फिर है S, ये क्या बताते हैं हमें, स्टेट बताते हैं, मैग्नीशियम इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, ओके। तो इस तरह हम केमिकल इक्वेशन का यूज़ करके बड़े से बड़ी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। अब आप यहाँ देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है उसमें मैग्नीशियम वन टाइम है और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम भी वन टाइम है, ओके, ये तो ओके है। बट जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट में टू टाइम है और प्रोडक्ट में वन टाइम है। तो एक ऑक्सीजन गया कहाँ गया, मिस्टर इंडिया ले गया क्या, नहीं, तो कहाँ गया, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या था, इन केमिकल रिएक्शन मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मैटर है क्रिएट भी नहीं होती डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गया कहाँ, क्या हम गलत पढ़े थे, नहीं। देखो कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका केमिकल इक्वेशन हम जब लिखते हैं ना, तो जो ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसे कि ऑक्सीजन है O, सर यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल आपने O बताया तो उसको O2 क्यों लिखा है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसका ओरिजिनल फॉर्म O2 लिखते हैं। मैग्नीशियम तो Mg ही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO, तो केमिकल रिएक्शन हम इसी तरह लिखते हैं। और बाद में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम्स है उसको बैलेंस करते हैं,
कि यहाँ पे Mg एक है तो एक ही है, ऑक्सीजन दो है तो सामने भी दो करना ही पड़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं बैलेंसिंग। क्यों करनी है? क्योंकि हम जो लॉ पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो फॉलो करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैटर है क्रिएट भी नहीं होती डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, तो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं बैलेंसिंग करते हैं। ओके ओके फ्रेंड, तो आज हमने सबसे पहले क्या देखा, एक्टिविटी 1.1, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन उसका देखा, Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। उसके बाद बैलेंसिंग की बात की थी थोड़ी, कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, इक्वेशन क्यों लिखते हैं, सभी बात की। पर आज हमने एक टॉपिक नहीं देखा है, क्या, कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। वो जो एक ऑक्सीजन था ना गुम हो गया था, उसे कैसे ढूंढना है, बैलेंसिंग कैसे करनी है, वो अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।